बस हो गया
Hosanna fe di chiedere di me. Hosanna fe di chiedere di me. La vedra fe paonte di chiedere di me. Hosanna fe di chiedere di me. La vedra fe paonte di chiedere di me. Altri cus madre, parare ad amare e chiedere di me. Cus has me madre. Tario che parla di parinta, più che io amare me. कैमरा मत डाल। आपको भी अच्छा लगा? बहुत ज़्यादा स्पेशल पेंट के साथ मालूम चला। थैंक यू। ये हाथ जोड़कर शांति पूर्वक बैठे रहे। मानसी, मानसी मेरी, मानसी, बैंड बंद कर। धन्यवाद मानती मैडम। आदित्य जी और अनुष्का जी, आपको क्या आपके स्कूल के लिए याद है? कार्यक्रम कर रहे हैं और 100%
Thank you.
ऑल्सो दैट आपके आगे जो बच्चे छोटे हैं ऑल्सो स्टडी वेरी वेल डू वेरी वेल क्योंकि आप लोग को अच्छे अच्छे काम मिले हैं अच्छे अच्छे कंपनीज में बहुत फायदा नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ फॉर योर कॉन्फिडेंस इवन आपकी फैमिलीज के लिए तो इसलिए बहुत जरूरी जरूरी है डू वेरी वेल इन स्कूल डू वेरी वेल इन क्लास और मेरे को एक रिक्वेस्ट है आई वॉन्ट टू स्पॉन्सर नाउ इंग्लिश हु वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश सबको इंग्लिश सीखना है सबके हाथ ऊपर गए आई वॉन्ट टू स्पॉन्सर हम लोग बेटी की तरफ से कि आप लोगों के लिए हम बात करके आपके प्रिंसिपल के साथ इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस रखेंगे विच विल बी हाउएवर उनकी जो टीचर्स हैं पावर करती हैं लड़कियां घर की शान होती हैं लड़कियां जब आगे बढ़ती तो फैमिली को कितना अच्छा लगता है तो लड़कों से एक्सपेक्टेड है कि लड़का बड़ा होगा वो घर संभालेगा ये करेगा बट जब लड़की करती है तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है आपके पेरेंट्स के लिए भी और आपके लिए भी सो आई एम सो हैप्पी कि आपने ऐसा ही गाना चुना आई होप आप रोज़ सुने और याद रखें कि आप कितने स्ट्रांग हो और लड़कियों में इतनी एनर्जी आपको आइडिया नहीं है आज तो आप स्कूल जाते हो तो अभी आपकी लाइफ पढ़ाई है यू नो होमवर्क है तो आपको नहीं समझ आ रहा है कि आगे जाके आप क्या क्या करने वाले हो एंड जैसे आपकी टीचर ने कहा कि आप दो घर संभालेंगे कल क्योंकि आपकी शादी होगी विच इज़ नॉट आज मेरी शादी हुई है मैं अपनी मॉम का भी ध्यान रखती हूँ मैं इनकी मॉम का भी ध्यान रखती हूँ सो वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ये कभी भूलना मत आई बिलीव हमेशा ये एक बात अपने आप को कहते रहो कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मुझे जो करना है मैं दुनिया में कर पाती हूँ और कभी अपने आप को रोको मत एंड जैसे मॉम ने अभी कहा कि यू नो हिंदी इंग्लिश क्लासेस अगर आपको लगता है कि कल को आपको बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करना है या दुनिया घूमना है जो करना है प्लीज़ ये क्लास के लिए एनरोल कीजिए सो हम आपके लिए टीचर्स ला सकें तो आप अपना इंग्लिश भी बेटर कर सकें आई नो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे हर जगह दिख तो जाता है पर अगर अपने आप बात करने का कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप सोचो क्या क्या कर सकते हो सो प्लीज़ जैसे आप हो हमेशा मैं आती हूँ आपके टीचर्स स्माइल करते रहते हैं आप स्टूडेंट्स स्माइल करते रहते हो इट्स वेरी नाइस मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगता है बहुत खुशी होती है एंड आई रियली होप कि हमारा ये रिलेशनशिप सालों 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 चलते रहे बंद ही ना हो कभी थैंक यू सो मच ऑब्वियसली मेरे पास बोलने से ज़्यादा कुछ छोड़ा है पर जो इन दोनों ने कहा मैं वही कहना चाहूँगा कि आप ये समझिए कि आप में इतनी ताकत है आप में इतनी पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हैं इस दुनिया में जिस चीज़ में आपने अपना मन बना लिया आप कुछ भी कर सकते हैं आप अगले अनुरंजन बन सकते हैं आप अगले अनुष्का रंजन बन सकते हैं और वो चीज़ करने के लिए अनुरंजन अनुष्का रंजन आदित्य सिंह आपके साथ हमेशा 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 आपको जो करना है आपको जहाँ पहुँचना है जिस तरीके से पहुँचना है आप बस करिए हमारा प्रोमिस है हम तीनों आप सबके साथ हमेशा हमेशा रहेंगे
कि ये जगह ही पहले हमको पता चला था जहाँ ज़रूरत है, और काफ़ी बच्चों को पढ़ाई नहीं हो सकती थी बिकॉज दे डिडंट हैव मनी फॉर फीस. सो तब से चुना एंड जस्ट केप ग्रोइंग. तो देयर वाज नो रीज़न कि ये जगह, इसीलिए ये जगह है क्योंकि ज़रूरत थी. एंड नाउ द चिल्ड्रन आर डूइंग वेरी वेल, दे जस्ट नीडेड समवन टू सपोर्ट देम एंड हेल्प देम. विजन ये है कि सारा बच्चा, एवरी गर्ल इन द कंट्री इज एजुकेटेड. बस वही विजन है कि जितने बच्चे पढ़ाई करेंगे, हम नहीं एजुकेटेड, लाइफ आगे जाके विल बी वेरी गुड फॉर देम. ऑनेस्टली ये फीलिंग इनएक्सप्लेनेबल है. अभी जब ये बच्चे परफॉर्म कर रहे थे, जैसे गाने पे परफॉर्म कर रहे थे, ऐसे लग रहा है कि वी वर अ स्मॉल पार्ट इन मेकिंग दिस पॉसिबल. कि अगर हमारी वजह से इनको स्कूल आने मिल रहा है, पहले तो कंग्रेट्स टू उनके पेरेंट्स कि जिन्होंने बोला कि नहीं हम इनको पढ़ाना चाहते हैं. फिर हम आते हैं उसके बाद, पहले तो उनको होना, दे शुड वॉन्ट टू स्टडी. सो आई फील कि यहाँ आके बहुत अलग फीलिंग होती है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है. सब इतना हमेशा स्माइल करते रहते हैं, ऐसे लग रहा है कि उनको मज़ा भी आ रहा है. यू नो, ये नहीं कि स्कूल है तो टॉर्चर है, सब खुश है. अब हमने देखा एवी में इतने इवेंट्स होते हैं यहाँ पे. सो इट्स जस्ट फीलिंग हैप्पी कि हमारा एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन था इसको बनाने में. एंड कल को अगर, जब नॉट अगर, जब ये लड़कियाँ जाके कुछ करेंगी, वी कैन फील लाइक प्राउड पेरेंट्स टू कि हमने भी उनको एटलीस्ट कुछ नहीं तो कॉन्फिडेंस दिया या उनको मोटिवेट किया कि आप कर सकते हो. एंड आई एम श्योर इनके पेरेंट्स करते हैं, इनके फैमिली करते हैं, तो जस्ट अनदर मोटिवेशनल वॉइस. मेरा काम बेसिकली बहुत सिंपल है. इसमें मेरा काम है यहाँ पे सपोर्ट करना. जो भी आंटी करती है, इनका विजन है, इन्होंने शुरुआत की थी इस चीज़ की, अनुष्का और आंटी ने मिलके. एंड मेरा विजन ये है कि जो भी वो चाहे, कि अगर जैसे आज है कि अगर मैं किसी तरह से बच्चों को मोटिवेट कर पाऊँ, अगर मैं दो चीज़ कहूँ तो अगर उनके चेहरे पे खुशी आ जाती है, तो मेरा बस इतना काम है कि जिस तरीके से हो सके, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मदद करके बस इनको आगे बढ़ाऊँ, इस विजन को आगे बढ़ाऊँ. तो एंड पूरे कंट्री में मैं चाहता हूँ कि एक भी बच्चा, एक भी लड़की अनएजुकेटेड ना. टुडे एवरीथिंग इज ऑनलाइन. तो हमारी जो बेटी मूवमेंट डॉट इन है वेबसाइट, इनफैक्ट वी आर टेलिंग पीपल कि अगर है स्कूल एंड अगर रिक्वायरमेंट है बिलो पॉवर्टी लेवल के जो थे अभी है, वी आर हैप्पी टू सपोर्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट आईटा कब आने वाला है? वी ऑल नो आईटा एंड ऑफ द ईयर उसकी बात करेंगे. उसकी बात तब करेंगे 23rd ईयर ऑफ आईटीए. एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम योर साइड? फ्रॉम योर साइड नॉट द फोरम. दिस इज नॉट द फोरम. दिस इज, वी आर ओनली हियर फॉर बेटी. एंड वी विल टॉक अबाउट ऑल आवर बेटीज. थैंक यू सो मच. थैंक यू.